बसमिल जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आज हम आपको बड़े ही डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलाने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है सेकेंड हाफ़ में भी हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे साथ एक बहुत मुनफरद पर्सनैलिटी मौजूद होंगी वो उसी वक्त आपको बताएंगे और फर्स्ट आर में भी हमारे पास डिफरेंट सेगमेंट्स जिस तरह यूजुअली हुआ करते हैं लेकिन आगाज़ हम अपनी कहानी से करेंगे तो आजकल आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज़ का बड़ा दौर है और इससे खैर आपने ये नतीजा नहीं निकालना कि ये किसी ऑनलाइन एजुकेशन को या कोर्सेज़ को या ऑनलाइन की तरफ से जितने बिजनेस हैं उनको हम हिट कर रहे हैं लेकिन मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर कह रही हूँ तो एक जगह स्टूडेंट्स ने देखा कि एक उस्ताद जो है वो डायनासोर मारने का तरीक़ा बता रहे हैं कि भाई डायनासोर मारने का तरीका जो है वो मैं सिखाऊंगा और जब डायनासोर को तुम लोग मार लोगे तो उसके पेट में से एक कीमती हीरा निकलेगा वो हीरा जो है वो बहुत नायाब है और बहुत ही महंगा बिकेगा यानी करोड़ों रुपए की लागत उसकी है तो जब वो हीरा तुम लोग को मिल जाएगा तो ज़ाहिर है ज़िंदगी बदल जाएगी तो कुछ ऐसे ही लोग जिनको और कुछ नहीं सूझती और जो शॉर्टकट के इंतज़ार में रहते हैं वो जाके एडमिशन ले लेते हैं एडमिशन जो है वो डॉलर्स में होती है अच्छे पैसों में होती है मगर लोग सोचते हैं स्टूडेंट्स के चलो एक दफ़ा कर लेते हैं फिर डायनासोर पकड़ेंगे उसे मारेंगे हीरा निकलेगा और ज़िंदगी बारे के बारे में आारे हो जाएंगे तो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कोर्स करते हैं इसमें से जो है वो टॉप अचीवर्स भी होते हैं टॉप अचीवर्स को सर्टिफिकेशन भी मिल जाती है तो जो एक टॉप अचीवर है जैसे ही वो कोर्स कंप्लीट करता है तो जंगल में निकल जाता है डायनासोर ढूंढने करते करते करते, करते काफ़ी अरसा उसको लगता है डायनासोर तो नहीं मिलता लेकिन उसको ये पता चल जाता है कि डायनासोर तो अब होता ही नहीं है डायनासोर तो ख़त्म हो चुका है अब जैसे ही पता चलता है खैर जैसे करते हुए फिर दोबारा उस्ताद को ढूंढता है उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि आपने मुझे एक फार्मूला सिखाया डायनासोर मारने का और मुझे कहा कि जी हीरा निकलेगा ये होगा वो कहते हैं भाई तुम्हें क्यों मारना है डायनासोर वो कहता है आपने कहा इसमें से हीरा निकलेगा हीरे को जब मैं बेचूंगा मेरे पास मेरे हालात अच्छे हो जाएंगे मैंने तो अपनी जमा पूंजी जो है वो इस फीस में लगा दी तो उस्ताद कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हें डायनासोर मारने का तरीका बताया है तुम भी आगे लोगों को डायनासोर मारने का तरीका बताओ तुम्हें किसने बोला कि डायनासोर को ढूंढने चले जाओ तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हो रही होती हैं और हमारे यहाँ भी ऐसे नित नए कोर्सेस हो रहे होते हैं बहुत सी और ऐसी एक्सपर्टीज़ का आपको कहा जाता है कि ये सीख लें वो सीख लें लेकिन ये देख लिया करें कि डायनासोर है भी या नहीं और डायनासोर के पेट में हीरा होगा या वो नायाब मोती होगा या नहीं और फिर आपको आगे अपनी ज़िंदगी का या प्रोफेशन का तयन किस तरह से करना है तो बहरहाल आज के जो हालात हैं और आज के आज कल की जो हमारी सोच है या हमारे शॉर्टकट्स के हवाले से हमारा इंटरेस्ट है उससे मुनास्बत रखते हुए ये कहानी थी एक ब्रेक आ गया ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और कुछ सवाल मैं उठाना चाहूँगी आज के इस फोरम से जो पानी के हवाले से हैं कराची में रहने वाले तो गंदगी पानी की किल्लत और दीगर और ऐसे मसाइल हैं इनफ्रास्ट्रक्चरल ऐशूज़ जो मैं और आप रोज़ की बुनियाद पर झेलते रहते हैं तो पानी के बारे में कौन से सवालात मैं उठाऊँगी इस ब्रेक के बाद हम हाज़िर होते हैं और आपको बताते हैं वेलकम बैक खवातिनों हज़रा और पानी हमारी ज़िंदगी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है मेरे ख़्याल में ये तो ऐसी चीज़ है जो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है बच्चे बच्चे को पानी के हवाले से पता है और कराची में जो मामला हैं पानी के हवाले से जिस तरह टेंकर के थ्रू हमें पानी मिल रहा होता है और जिस तरह पानी की क्वालिटी के इशूज़ हैं पानी हमारे लिए एक ऐसी चीज़ होता जा रहा है जो ऐसे लगता है कि वक्त के साथ साथ शायद पानी को भी हम सजाया करेंगे कि जी ये पानी है ये पहले बहुत ज़्यादा होता था अब ये कम हो गया है अब ये नायाब हो गया अब ये बड़ी ही आ, मुश्किलों के बाद मिलता है अच्छा दो चीज़ें हैं इसमें जो पानी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ एक तो ये कि हमारे यहाँ अर्बन फ्लडिंग जो पिछले कुछ सालों से मैं और आप उसको विटनेस कर रहे हैं उसका क्या कोई हल है ये सवाल मैं इस फोरम से उठाना चाहती हूँ और इसके लिए जितने अहदेदारान हैं जितनी अथॉरिटीज़ हैं उनसे मेरा ये सवाल है कि क्या आप इसके लिए कुछ सोच रहे हैं अर्बन फ्लडिंग शहर के मुखलिफ़ हिस्से हैं और मुख्तलिफ़ हिस्सों में एक वो हिस्सा है जो डी एच ए है और वहाँ पर जब अर्बन फ्लडिंग होती है तो न्यूज़ का हिस्सा रहती है लेकिन उसके अलावा जो कच्ची आबादियाँ जो और इलाक़े यहाँ कराची में हैं जहाँ लोगों की जान चली जाती है जहाँ नाले में गिर के मर जाते हैं जिसमें और बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो इसी फोरम से हमने आपसे शेयर की हैं वो तमाम लोगों का ज़िम्मेदार कौन है उनका जवाब कौन देगा आगे आने वाले दिनों में दोबारा अरबन फ्लडिंग होती है तेज़ बारिशें होती हैं पूरे सिंध के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं और ये सारा रेला अगर ख़ुदा न खास्ता हैदराबाद की हदूद को क्रॉस करते हुए कराची आ जाता है तो उसके बाद हमारे पास क्या रह जाएगा फिर उसके अलावा जो हमारे पास पानी है जो हम अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में ला रहे हैं आज कल जिस तरह एलर्जीज़ हो रही हैं कॉलरा के जो प्रॉब्लम्स हैं पेट ख़राब होने के जो मसाइल हैं जो वाटर बॉर्न डिज़ीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं अब ये वाटर बॉर्न डिजीज़ जो हैं इनके हवाले से क्या कोई महकमा काम कर रहा है एक स्प्रे करा देना डेंगी का क्या ये काफ़ी है क्या पानी जहाँ जहाँ से आ रहा है जिस तरह हाइड्रेंट के थ्रू लोगों को मिल रहा है क्या उसके लिए कोई सिस्टम वज़ा करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चरल कोलेप्स जो हमारा चल रहा है जिसमें पानी हमारा एक अहम तरीके से मुतासर हो रहा है जो पानी हमें मिल भी रहा है उससे हमारी सेहत के प्रॉब्लम्स हैं तो ये तमाम इश्यूज़ जो कराची वालों को इस वक्त फेस करने पड़ रहे हैं इसके हवाले से एक के बाद एक सवालात हम करते रहते हैं लेकिन आज स्पेसिफिकली हमने अपना ये सेगमेंट डेडिकेट किया है कि हम इस पर बात करें और हम इस पर सिर्फ आपसे अपने इस प्रोग्राम के तबसत से इस फोरम से इस सवालात उठाएँ कि आखिर कब तक कराची वाले जो हैं वो इधर से उधर भागते रहेंगे और उन्हें ये पता ही नहीं चलेगा या उन्हें ये मौका ही नहीं मिलेगा या वो इस जो अल्लाह ताला की रहमत है जो अल्लाह ताला रहमत के थ्रू हमें देते भी हैं ना हम उसकी कंजर्वेशन कर पाते हैं ना हम उसे सही से इस्तेमाल कर पाते हैं ना हम प्रिज़र्व शुदा जो हमारे पास पानी है उसको इंजॉय कर पाते हैं या हम साफ़ सुथरे पानी की जो हमें फरहमी होनी चाहिए ना वो हो पाती है बीमारियाँ अलग हैं किल्लत अलग है क्या यही कराची वालों का मुकद्दर है क्या यही हम सबका मुकद्दर है क्या यही होना है पाकिस्तान में ये तमाम सवालत हैं और ये सवालत मैंने इसलिए उठाए <coughs> सॉरी कि जब हम जवाब मांगते हैं तो जवाब में तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं अब जवाब नहीं चाहिए अब कुछ इम्प्लीमेंटेशन और कुछ प्रैक्टिकल वर्क चाहिए विद डैट यहाँ पर एक और ब्रेक है ब्रेक के बाद वापस आते हैं कुछ मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। वेलकम बैक और इस वक्त हमारे साथ नस्ट के स्टूडेंट्स मौजूद हैं फार्मूला कार इन्होंने बनाई है और ये कहते हैं कि जी इलेक्ट्रिकल फार्मूला जो है वो हमने इंट्रोड्यूस कराया है बाकी अपने प्रोजेक्ट के बारे में कार के बारे में जो इनकी सोसाइटी के तहत बनाते हैं ये सो ये इनका इनकी क्या सोच है क्या विजन है इसको लेकर और इस कार से क्या हमें कोई मजमू तौर पर कोई फ़ायदा होने वाला है या इनको कोई फ़ायदा है इस हवाले से हम ओवरऑल बात करेंगे हमारे साथ मिर्ज़ा अली आदिल सलमान बेग मौजूद हैं जो कि मैकेनिकल मेंबर हैं अस्सलाम वालेकुम सो so, आपको आदिल कहें सलमान कहें अली कहें अली, अली कहते तो हैं ओके एंड सैयद महतशम अली हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इलेक्ट्रिकल मेंबर हैं अस्सलाम वालेकुम हमारे साथ जी सारम ताहिर मौजूद हैं जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डायरेक्टर हैं इनके आपको भी खुश आमदीद कहते हैं Thank और लाइबा आसिफ हैं जो है। है? see, कि मैकेनिकल मेंबर हैं अस्सलाम वालेकुम लाइबा कैसी हैं गुड टू सी के इस बार जो है ना वो एक लड़की भी आई है अदरवाइज जब भी इस तरह के इंटरव्यूज होते हैं तो उसमें लड़के सारे आ जाते हैं और मैं उनसे पूछती हूँ कि तुम लोगों के साथ कोई लड़कियाँ नहीं पड़ती सो इट्स इट्स गुड कि आज आप यहाँ तशरीफ़ लाई लाइए अच्छा सारन के चेहरे को ही देख के लगता है दैट ही इज अ सीनियर है ना वो वो बॉडी लैंग्वेज ही वो हो जाती है सारे जूनियर्स के दरमियान में आई एम द सीनियर अच्छा सारम सो आप ही बताइए जरा जो इंट्रोडक्शन दीजिए अपने इस आ, कार का और क्योंकि मैं हमेशा से यही समझती हूँ या यूजुअली जब भी मैंने इंटरव्यूज़ किए कि लोग अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसको यहाँ पर भी और फिर जहाँ कहीं उनको मौका मिलता है आ, जो इंटर कंट्रीज़ कॉम्पटिशन होते हैं वहाँ पर जाके उसको डेमोस्ट्रेट भी करते हैं सो so, आप लोगों ने ये क्यों बनाई है और इस कार के क्या फ़ीचर्स हैं इसमें आपका नजरिया क्या है ओके सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस आई विल स्टार्ट के फॉर्मूलाट होता क्या है सो इट इज़ एन इंजीनियरिंग बेस्ड कॉम्पिटिशन और इस कंपटीशन का मकसद ये होता है कि आने वाले जितने जो साल हैं उसके लिए इंजीनियर्स को प्रिपेयर करना सही। ये कंपटीशन इनिशियली स्टार्ट हुआ था कम्बस्टन व्हीकल्स के लिए लेकिन जब इंजीनियर्स ने रियलाइज़ किया कि आने वाली दुनिया में इलेक्ट्रिक और फिर अल्टीमेटली ड्राइवरलेस ट्रेंड भी आने वाला है तो उन्होंने इसके अंदर इलेक्ट्रिक और ड्राइवरलेस कैटेगरी भी स्टार्ट कर दी तो so, वहाँ से हमारी टीम के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया कि हमें क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर फॉमूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल बनानी चाहिए और हमने सबसे पहले फॉमूला स्टूडेंट 2016 के अंदर हम लोगों ने अमेरिका के अंदर लिंकन में पार्टिसिपेट किया था और वो हमारी पहली गाड़ी थी और वहाँ से ये पूरी की पूरी जर्नी शुरू हुई एंड देन ट्वेंटी के अंदर हमने एफ़ एस में पार्टिसपेट किया फिर ट्वेंटी के अंदर हमने एफ एस रशिया में किया जहाँ पर हम लोगों ने सेकंड पोजीशन ली और वी वर द फर्स्ट पाकिस्तानी टीम जिन्होंने एक पोडियम फिनिश किया हो एंड सिमिलरली नाउ अगर आगे फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो वी वर वी आर एमिंग फॉर एफ एस यू और टॉकिंग अबाउट द कार तो अभी जो जिस गाड़ी पे हम काम कर रहे हैं वो हमारी फोर्थ हाइड्रेशन है. Hmm. के हम है और इसकी क्या कहते हैं पावर ट्रेन हम लोगों ने प्रीवियस हाइड्रेशन से अपग्रेड की है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हमने काम किया है और यही रिसर्च एंड डेवलपमेंट

जैसे कि सारम भाई ने कहा हम लोग एक फार्मूला कार बनाते हैं फार्मूला कार फार्मूला स्टूडेंट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं मोर स्पेसिफ़िकली इलेक्ट्रिक व्हीकल है ठीक है तो इसमें हमारे पास मोटर होती है एंड देन ये कार कम्प्लीटली इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है एक हमारा इलेक्ट्रिक कह लें बैटरी पैक अक्यूमुलेटर कंटेनर होता है जिसकी बना पर हमारी गाड़ी पूरी चलती है हमारी जो गाड़ी आ, का जो स्ट्रक्चर है वो कह लें आप एक बिल्कुल स्पेस फ्रेम स्ट्रक्चर होता है विच इज़ अ टाइप ऑफ अ चासी फार्मूला कार चासी ठीक है Uh, फिर इसमें एक ड्राइवर बैठ सकता है हमारा बिकॉज इट्स अ फॉर्मिला स्टूडेंट कार और फिर um, इस पर हम लोग अपनी uh, मुख्तलिफ़ सेक्शंस uh, में हम लोग इसकी इनोवेशन करते हैं जैसे इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स बहुत हैं तो हमारी एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है बीएमएस इसको हमने ख़ुद इन हाउस मैन्युफैक्चर करके लगाया है तो इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमने इसमें एरोडायनामिक्स बहुत इसमें इन्वॉल्व रहती है इन्हीं मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में हम लोग फिर इसमें काम करके इसमें इनोवेशन करके बेहतरी करते हैं अपनी कार बेहतरी करते हैं अच्छा आप बताइए अली कि आपकी कार में मैं दोबारा वही चाहती हूँ कि थोड़ा जब लोगों के सामने हम ये बात करते हैं ना कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल या आ, आपने ये फार्मूला कार बनाई है तो वो उसको उनके जहन में ये फार्मूला कार एक डिफ़रेंट तरीके से आती है और वो उसको डिफरेंट तरीके से कॉम्प्रिहेंड करते हैं सो so, उनके इंटरेस्ट को बताते हुए जो बाकी यंगस्टर्स आप लोगों को देख रहे हैं कुछ बताना चाहेंगे अपनी गाड़ी के बारे में मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो गाड़ी का शौक जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तु और जैसे अब एक जो शौक है जो जैसे हम में भी था और बहुत सारे और यंगस्टर्स को होता है वो होता है रेसिंग का शौक़ और ड्राइविंग कॉम्पटिशन का शौक़ अब जैसे फार्मूला स्टूडेंट ख़ुद एक इंजीनियरिंग इवेंट है लेकिन उसके अंदर भी एक डायनामिक इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर गाड़ी चलती है हम जो टारगेट करते हैं हम जो है इस तरह के डायनामिक इवेंट्स टारगेट करते हैं हमारा जो है जो एक गोल है वो एक इवेंट्स uh, को टारगेट करते करते एक ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है जो कि सक्सेसफुली पाकिस्तान को एक ऐसे कॉम्पिटिशन में रिप्रेजेंट हम्म अच्छा कॉम्पिटिशन so, में तो रिप्रजेंट करे लेकिन हाँ। इसकी कोई uh, उस तरह की सोच है आप लोगों की कि ये मार्केट भी हो सके ये एक्चुअली अवेलेबल uh, भी हो सके या ये अभी इतना कोई ख़ास पॉसिबिलिटी uh, नहीं है इसकी अभी जो गाड़ी की करंट स्पेसिफिकेश उसको देखते हुए तो हम नहीं कह सकते कि ये गाड़ी जो है वो होगी ज़्यादा मार्केट लेकिन जब कॉम्पटिशन का एम जिस तरह से हम गए वो एम यह है कि जो है आपका जो यंग इंजीनियर्स जो आ रहे हैं उनको इस तरफ मार्केट ओरिएंट करना उनको जो है एक अच्छी जो है क्या कहेंगे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना हुँ. तो अब वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो हमारे पास इस तरह से आ रहा है और मैं ये कह सकता हूँ कि इसके आन, इससे जो ग्रेजुएटिंग बैचेज और ये जो भी आ रहे हैं उनके अंदर इस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं कि वो एक ऐसी गाड़ी बनाए या ऐसा कोई व्हीकल बनाए जो कि मार्केट के यंगस्टर्स इन सब को अपील करें अपील करें अच्छा आप बताइए मोहतरम के अभी तक जितना भी आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है आप भी आपके सीनियर्स भी आई थिंक मुख्तलिफ सालों से क्योंकि करते हुए आ रहे हैं तो किसी ने आप लोगों को ख़ुद अप्रोच करने की कोशिश की है या ख़ुद कभी Uh, uh, आपसे कोई uh, कोई कोएलिशन uh, या किसी किस्म की कोई आपस में पार्टनरशिप या इस तरह की कोई ऑफर आई होता है बिल्कुल जैसे कि फार्मूला uh, अपनी टीम की बात करें फार्मूला इलेक्ट्रिक रेसिंग नेस्ट की तो वी स्टार्टेड बैक इन 2014 और अलहमदिल्ला में एट सक्सेसिव एयर्स हो गए हैं और इसमें ये होता है कि जैसे जैसे हम कोई माइस्टोन अचीव करते जाते हैं जैसे अभी सारा भाई ने बताया कि ट्वेंटी में वी गॉड सेकेंड पोजिशन इन एफ एस तो विच इज़ पाकिस्तानी टीम के लिए ये पहला पोडियम फिनिश था तो उसके बाद हमें काफ़ी मीडिया रीच भी मिली थी एंड काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स ने हमें खुद से भी कॉन्टेक्ट किया था एंड ये सारा स्टफ हमारा माईकॉम डिपार्टमेंट एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जो देख रहा होता है जो कि स्पॉन्सर को प्रोपोजल्स भेज रहे होते हैं एंड देन मतलब इन कोलेब्रेशन हो जाती है अच्छा है ये सारे लोग जो सारम भाई करते हैं और yes, भी भाई होंगे yes, इनके अलावा yes, yes, भी आप yes, लोगों की yes, टीम में सो जब ये हम इस तरह से कोलेब्रेशन में काम कर रहे होते हैं तो उसमें सीनियर का अपना ही एक रोब होता है ना तो बहुत सारी बातें एडवाइजेस और इनका भी बड़ा दिल चाहता होगा चीजें करने का तो वो कर लेते हैं या सारे भाई के इन्फ्लुएंस में आके नहीं कर पाते नहीं नहीं ऐसा कुछ हाँ. नहीं एक्चुअली हमारा सीनियर जूनियर नहीं लड़, लड़कियों को तो वैसे थोड़ा सा लीवरेज मिल जाता है ना भाइयों की तरफ से <laughs> हाँ मैं बता देती हूं सीनियर जूनियर कोलैबोरेशन बहुत बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी uh, एनवायरनमेंट होता है तो mm -hmm. so, mm -hmm. हमारे मतलब जैसे कि अगर मैं इनको भाई कह रही हूँ तो ये हमारा ऐसा ही है कि बिल्कुल mm -hmm. भाइयों की तरह ना सिर्फ मुझे बल्कि हमारे सारे लड़कों mm -hmm. लड़कियों को सभी सारे जूनियर्स को ऐसे ही लेके चल रहे होते हैं इनफैक्ट mm -hmm. जब हमारे uh, जो सीनियर्स पास आउट हो जाते हैं उसके बावजूद फिर जब वो एलमनाइज बन जाते हैं उसके बावजूद फिर वो लोग लो लो हमारे साथ एक कनेक्शन uh, एक कॉन्टैक्ट रखते हैं थ्रू वेरियस वेज यू नो हम कभी भी एडवाइस लेना चाहें बिकॉज अब उनको एक इंडस्ट्री एक्सपोजर भी हो जाता है काफ़ी अच्छे तरीके से तो उनकी गाइडेंस हमारे लिए काफ़ी फिर मैटर करती है काफ़ी अच्छा मुझे बताएं वैसे तो आपकी यूनिवर्सिटी के भी इंटरनेशनल कनेक्शन हैं हैं और बहुत सी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं मैं अक्सर देखती रहती हूँ जिससे इंस्परेशन होती है सो so, जिस तरह आपने कहा कि आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस पाए की थी कि आपने टेस्ला को अप्रोच किया और उन्होंने आपके साथ जॉइन हैंड्स किए तो हमें इसके बारे में बताएं कि टेस्ला ने किस तरह से आपके साथ जॉइन हैंड्स किए ओके सो ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई हुँ. थी कि टेस्ला ने लाइक like, एक स्पॉन्सरशि खोली थी उन्होंने और वहाँ पे लाइक डिफरेंट फॉर्मला स्टूडेंट और डिफरेंट टीम्स ने अप्लाई करना था और उसके लिए काफ़ी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन हमने उन्हें शो करनी थी अब एज अ पार्ट ऑफ आवर कॉम्पिटिशन हमारा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी बहुत फोकस होता है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं जिस चीज़ के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं उस चीज़ को हम डॉक्यूमेंट भी करें सही। तो हमारे पास ऑलरेडी कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद थी और जिस तरह हमारी अगर इनोवेशन की बात करें तो हमारा जो बैटरी पैक है वो हम लोगों ने टेस्ला से इंस्पायर होकर बनाया था लाइक like, उनके डिज़ाइंस को देख के हम लोगों ने उनसे इंस्पिरेशन ली थी और फिर हमने उसके अंदर फर्दर इम्प्रूवमेंट्स करके बनाया था एंड सिमिलरली जिस तरह लाइबा ने बताया था कि हमने इन हाउस बी एम एस बी एम एस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और इसका hmm. बहुत क्रूशल रोल होता है गाड़ी के अंदर बिकॉज टू मैनेज ऑल द बैटरीज क्योंकि बैटरीज एक बहुत डेंजरस hmm. थिंग hmm. होती है और सबसे बड़ी चीज़ होती है तो उसको इन हाउस फेब्रिकेट करना देट वॉज अज चैलेंज फॉर अस जिसके ऊपर तीन साल से हमारी टीम वर्क कर रही थी <laughs> और फाइनली वो अब जाके ख़त्म हुआ था और वो भी हमारे पास पूरी डॉक्यूमेंटेड था तो हमने उस तरह उनको अप्रोच किया वी शोड डॉक्यूमेंटेशन हमने अपनी इलेक्ट्रिक स्पेसिफिकेशन उन्हें भेजी थी एंड देन दे रिस्पॉन्डेड उनको हमारा काम पसंद आया था <laughs> और पाकिस्तान से हम बाहर टीम थे जिन्होंने क्या कहते हैं उनको एप, आ, आप आप लोग उनको करते रहते yeah, रहते होंगे होंगे ना देखते लोगों को पता चला कि आप sponsorship आ रही है बिल्कुल पे हम like, no हम रीच करना चाहते हैं वहाँ से वो पूरी जर्नी स्टार्ट हुई टॉकिंग अबाउट द स्पोंसरशिप तो वो हमें क्या कहते हैं वो हमारे इनोवेटिव पार्टनर है वो हमें टेक्निकल स्पोंसर किया है लेकिन यह स्पॉन्सरशिप में हमें टेक्निकल क्या कहते हैं कॉम्पोनेंट्स और टेक्निकल असिस्टेंट्स दे रहे हैं और जो की बहुत ह्यूज बात है जो हमारा एक तो ये इसलिए भी अच्छी बात है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बहुत कम है आर एंड डी जो है हमारे पास इतने बड़े बड़े बिजनेस हो जाते हैं वो शायद चीज़ें अपने तहत कर लेते होंगे लेकिन हमारे पास इदारे मौजूद हैं अनफॉर्चुनेटली रिसर्च पे तो हमारा ध्यान ही नहीं है वी आर क्रिएटिंग पी ताकि वो पढ़ाना शुरू कर दें हम पी को यूटिलाइज करके उन रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं कराते विच इज़ वेरी वेरी क्रूशल टू एनी थिंग एंड टू द सक्सेस ऑफ़ द सोसाइटी एज अ होल और दूसरी ये बात कि ऑब्वियसली टेस्ला या लॉन् मस्क uh, जो है इस वक्त तो हीज़ सेंसेशन फॉर फॉर द यूथ और yes. जिस तरह से खुद वो गाड़ी बना रहे हैं और उसे कुछ मार्स वार्स पर भी पिछले दिनों भेजने की बात yes. हो रही है जी yes. तो वो वो कहाँ तक पहुँची <laughs> बट खैर द बिग थिंग फॉर अस इज के जब हम पहले कॉम्पिटिशन में जाते थे तो हमारे यूरोप की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की टॉप टीम्स आती थी और उनके स्पॉसर्स होते थे फरारी ए एम जी यूनिवर्सिडीज और लाइक वो उनको टेक्निकल स्पॉन्सरशिप देते हैं चले मोनिटरी तो हम किसी हद तक कर लेते हैं बट जो टेक्निकल स्पॉन्सरशिप है वो टेक्निकल लेवल पाकिस्तान में नहीं है तो ये हमारे लिए अल्लाह का शुक्र है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हम लोग पूरा इसके ऊपर वर्क करें कि हम इसको बेहतर से बेहतर तरीके से अवेल करें और पाकिस्तान के अंदर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक व्हीकल डिजाइन करें जो कि उनको उनकोट करे जाकर और मेरे ख्याल में एक दफा आपकी एक हुई है तो इट माइट गो लॉन्ग वे और हो सकता है कि आपकी sure. इस अगर ये उस तरह से बनती है और क्योंकि आप लोग टेक्निकल सपोर्ट उनसे ले रहे हैं सारी डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर रहे हैं तो यू नेवर नो के आगे आने वाले प्रोजेक्ट exactly. में भी आप उनके साथ हो एक ब्रेक यहाँ पर आ गया और ब्रेक के बाद हम हमारे साथ ये तमाम अमेजिंग स्टूडेंट्स मौजूद हैं और इनसे बातचीत दोबारा करेंगे आफ्टर द ब्रेक Thank you. वेलकम बैक और नस्ट से हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो जो अपनी एक बड़ी ही डिफरेंट किस्म की फार्मूला कार के हवाले से आज यहाँ पर आए हैं और जो द गुड न्यूज़ इज़ के इनको टेक्निकल स्पॉन्सरशिप टेस्ला से मिली है विच इज़ आई थिंक अ मोमेंट ऑफ़ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस क्योंकि इस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज़ या बड़े नाम जो दुनिया भर में मौजूद हैं अगर वो रेगिगनाइज़ करते हैं पाकिस्तान में किसी स्टूडेंट को या स्टूडेंट्स एफर्ट को तो ये अपने आप में एक Uh, अच्छी बात है और मेरे ख़्याल में कॉम्पटिशन जीतना आगे जाना वो तो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं ही लेकिन पाकिस्तान को किसी जगह पर मनवा तो लेना तो कि हाँ ठीक है हम भी कुछ कर रहे हैं या कर सकते हैं तो ये भी अपने आप में एक कामयाबी है सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट एज़ वेल अच्छा, well. uh, अच्छा मोतश आप और हमें इसके बारे में क्या बताएंगे अब जो नेक्स्ट क्योंकि आप हैं मैकेनिकल मेंबर इलेक्ट्रिकल मेंबर अच्छा ओ सॉरी यस इलेक्ट्रिकल मेंबर सो इलेक्ट्रिकल मेंबर की क्या uh, जिम्मेदारियां होती हैं और आप किस तरह से इसमें साइड से बेसिकली जैसे आप दुनिया का ट्रेंड देखें तो दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमें एक तरह से ये ऐसा है बिल्कुल कि हमें हर चीज़ बहुत बाद में मिलती है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दुनिया की बात करें तो दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड द ड्राइवर लेस और वहाँ पर हाँ. बहुत तेज़ी से इसमें काम हो रहा है और अगर पाकिस्तान की बात करें तो अभी ई वी कल्चर ही सही से प्रमोट नहीं हुआ हुआ यहाँ पर तो हमारा फोकस यही होता है कि हम जैसे एज अ सोसाइटी हम इंजीनियरिंग को प्रमोट करें और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लाएँ और पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इतना वर्क इतना लेवल हो कि जिससे मुल्क को भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गाड़ी तो हमने एक बना ली अब हर साल हमारी कोशिश ये होती है कि उसमें कुछ इनोवेशन हो और अपना जो हमारा आर है जो भी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे काम करें उसको गाड़ी में अपनी इम्प्लीमेंट करें हुँ. जैसे हमारी फोर्थ हाइट्रेशन जो हमारी लेटेस्ट हाइट्रेशन उसमें हमने पावर ट्रेन को बहुत अपग्रेड किया जो हमारी पहले गाड़ी थी इट वाज लिमिटेड टू 32 टू

और एफ में ज़्यादातर टीम्स ये होता है कि हाथ से ही प्रिक्योर करती हैं और यूज़ करती हैं और बहुत कम टीम्स हैं शायद तीन या चार ऐसी हैं जो कि इन हाउस इसको खुद बनाती हैं एंड अलहदुल्ला वी आर वन ऑफ वेरी नाइस सो जी क्या बात है बड़ी टेक्निकल चीज़ें से ये बताइए कि ये लाइबा आप लोग कितने स्टूडेंट्स हैं ओवरऑल अच्छा तो हम लोग अराउंड फोर्टी मेंबर्स की एक टीम है पूरी जिसमें हमने डिवाइड किए हुए इन टू फोर मेजर सब डिपार्टमेंट्स ना एक होता है हमारा मैकेनिकल एक इलेक्ट्रिकल फिर एक ड्राइवरलेस और फिर एक मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस का डिपार्टमेंट uh, इसमें हमारे पास मुख्तलफ़ स्टूडेंट्स हैं ऑफ ऑल हैंयर्स फर्स्ट से लेकर फोर्थ ईयर के सारे अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं और एक अलहमद काफ़ी अच्छा रेशो है बॉयज़ टू गर्ल्स का तो हर डिपार्टमेंट में आपको लड़के भी मिलेंगे और लड़कियाँ भी मिलेंगी अच्छा तो ये बताएं अली कि इतने सारे लोग माशा आपस में कभी आर्ग्यूमेंट हो जाए हो सकता है दो लोगों में चार लोगों की टीम में हो जाता है तो अगर आर्ग्यूमेंट हो जाए तो उसका रिजॉल्व कैसे होता है नहीं अब जैसे हमारा जो गोल है वो शुरू से ही जो है हम इतने मोटिवेटेड रहे कि एक ही गोल है हमारा कि हमें एक फार्मो इलेक्ट्रिक गाड़ी बनानी है और उसको जो है कॉम्पटिशन में जाके पोडियम फिनिश या इस तरह की कोई चीज रीच करनी है तो अब ये गोल जो है माशाल्लाह से ये गोल थोड़ा सा आगे की तरफ आया है विद हेल्प ऑफ ड्राइवरलेस लेकिन अब जब भी जो है अगर कोई आर्गूमेंट तो मैं नहीं कहूँगा कि अगर कुछ होता है लेकिन वेल well, अगर कोई इस तरह की होती है कि डिसएग्रीमेंट हो इसी बात पे तो वो जो है आखिर में इसी पे आता है कि टीम के लिए क्या बेहतर है तो और उस पर जो है जो भी होता है वो वेरी मचरस्टैंड और इस चीज़ में मैं एक चीज़ एड करना चाहूँगा कि हमारी टीम का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है बेसिकली जैसा आपने अभी बात की सीनियर जूनियर का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है तो स्टार्टिंग फ्रॉम द हाइर आर पूरी एक, एक टीम वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में तो कोई भी इस तरह का डिसएग्रीमेंट वगैरह आता है अब तो वो फ़ौरन सॉल्व हो जाता है और जैसा अली ने अभी बात की कि टीम का गोल सबके जहन में

घर वालों से पूछा इतने है, तो ताबार हैं अच्छा <laughs> खैर और बाकी टीम मेंबर्स का या बाकी कोई ऐसी चीज़ जो आपकी कार रेलेवेंट या अच्छा बार बार ड्राइवर लेस की बात हो रही है सो so, ड्राइवर लेस तो हम आ, आपने पहले टेस्ला की भी बात की सबसे ज़्यादा तो वही काम कर रहे थे और उसके बाद लोगों को ये तकलीफ हो गई थी कि ओहो लोगों की तो नौकरियां चली जाएंगी ड्राइवर लेस पे ये आपका सवाल नहीं है लेकिन इस पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है अपग्रेड होती रहती है हम बजाय इसके कि जो भी आपका काम है उस वक्त अपनी नौकरी की फ़िक्र करें हमें अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए हम भी यूज़फुल होंगे अगर हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे अब जब जब कम्प्यूटर्स आए तो लोगों ने कहा कि अरे भाई मैनुअल अकाउंटेंट जो है वो तो फारिग हो गए तो क्यों फ़ारिग हो गए आप उस नई चीज़ को सीखें उसका पार्ट बने तो आपके लिए भी जॉब्स होंगी सो ड्राइवर लेस है ये तो अभी तो नहीं है लाइक जिस तरह मैंने आपको बताया कि फॉर्मुला स्टूडेंट का अल्टीमेट गोल ये है कि आने वाले इंजीनियर्स को प्रिपेयर करना और ये कैटेगरी ड्राइवर लेस की उन्होंने यार आगे 10 साल बाद हमें ऐसे इंजीनियर्स चाहिए जिनका ड्राइवर लेस में एक्सपीरियंस हो बिकॉज दैट इज द फ्यूचर सो पाकिस्तान के अंदर अभी तक इसका ट्रांजिशन नहीं आया हम लोग वी आर द फर्स्ट टीम जिन्होंने क्या कहते हैं इसके कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर हमने पार्टिसिपेट किया था जो कि एक ऑनलाइन इवेंट था फॉर्मुला स्टूडेंट का बट वी आर वर्किंग ऑन मेकिंग द फर्स्ट प्रोडोटाइप ऑफ अ फॉमूला स्टूडेंट ड्राइवल एस वीकल उस वीकल में कोई ड्राइवर नहीं होगा इट विल भी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सेंसर्स और लाइक पूरे कंट्रोल सिस्टम उसमें इन्वॉल्व uh, होंगे बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किटरी है तो लाइक इट्स अज नेक्स्ट लेवल और it हमारी टीम उसके ऊपर काम कर रही है टॉकिंग अबाउट द रिसर्च तो उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ पब्लिकेशंस भी की हैं और हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क ऑन इट सो देट इज़ अज नेक्स्ट लेवल फॉर अस और वी आर होपिंग

के बाद उसकी प्रैक्टिकलिटी का जो मौका आप लोगों को मिला है यू आर ऑल वेरी ब्लेस्ड जिनको मौका मिलता है और जो काम कर लेते हैं और कर जाते हैं तो अपने इस काम को आगे बढ़ाइए और पाकिस्तान को भी याद रखिए और अपने काम को भी याद रखिए हमारी नई तमन्नाएँ आपके साथ हैं एक ब्रेक उसके बाद हम वापस आएंगे एक बहुत ही डिफरेंट गेस्ट के साथ आपसे तारफ़ करवाएंगे आफ्टर द ब्रेक बाक खुतिनों हजरात और इस वक्त हम बड़ी ख़ास जगह पे मौजूद हैं और ख़ास शख्सियत के साथ मौजूद हैं वैसे अक्टूबर के महीने में आपने देखा कि हमने ब्रेस्ट कैंसर को लेकर बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए बहुत सारी बातें की लेकिन ये बीमारी की जो शिद्दत है और उस पर कितनी सीरियसनेस है उसका अंदाज़ा आपको होगा जब मैं आपकी मेहमान से मुलाकात करवाऊँगी और ये देख कर मुझे बींग द नेशनल ऑफ़ द कंट्री सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आज के प्रोग्राम की एंकर मैं हूँ बल्कि इसलिए क्योंकि ख़ातून होने के नाते और एक नेशनल होने के नाते पाकिस्तान में रहते हुए मुझे देखकर बहुत खुशी होती है कि ऐसे फोरम्स पे जिसका मैं तारफ़ कराने जा रही हूँ वहाँ पर औरतों की सेहत को लेकर इतनी संजीदगी है न सिर्फ संजीदगी है न सिर्फ उस पर बात होती है बल्कि उस पर काम भी होता है आई एम वेरी प्लीज कि आज फर्स्ट लेडी ऑफ़ पाकिस्तान बेगम समीना आरिफ अलवी साहिबा ने हमें वक्त दिया है और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करेंगे सेहत के और मामला जो आपके दिल से करीब हैं उसके हवाले से बात करेंगे आपको खुश आमदीद कहते हैं असल कैसी हैं आप ठीक ठाक शुक्र का बिल्कुल सो so, uh, मैम हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से आप बल्कि सालों से आ, बहुत वोकल हैं ब्रेस्ट कैंसर को लेकर और बल्कि मैं मुबारकबाद आपको पेश करना चाहूंगी कि आपकी काविशों से इसमें एक तरह से मैंने देखा है तब्दीली आई है तेजी आई है लेकिन अभी भी हमें बहुत काम करने की जरूरत है आपका अपना विजन या आपकी अपनी एक कैलकुलेशन होती होगी ना कि पिछले साल से इस साल का कोई फर्क है सो वो आपने क्या अब तक देखा है देखिए ये सब का है सिर्फ मेरा नहीं है मगर आप लोग अगर सब मीडिया और लोग साथ नहीं देते तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँचते मगर मुझे बड़ी खुशी है कि मीडिया ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया और क्योंकि देखो ना मैं एक जगह करूँगी आपको तो लाखों लोग देखेंगे तो वही चीज़ बहुत स्प्रेड होगी और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ख़्याल 2018 से हमने ये शुरू किया और मैं अब जैसे इस साल शौकत खानम और ऐसे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं आ ये सब ये कह रहे हैं अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड स्टेज में डबल से भी ज़्यादा पेशेंट्स आ रही हैं तो ये बहुत खुशी की बात है कि चलो मैं तो समझती हूँ अगर हम और आप मिलके एक भी बहन को बचा लें तो शायद हमारी अल्लाह ताला इसकी कुछ ना कुछ अजर ज़रूर देगा तो इसी तरह कोशिश करते रहेंगे हम सब मिलके तो इन ज़रूर फ़र्क़ आ रहा है लेकिन लास्ट ईयर भी हमने आ, सेल फ़ोन करा इसका मैसेज किया उससे ये होता है कि देखिए शहरों बड़े शहरों में तो फिर भी अवेयरनेस आ जाती है मगर गांव में इधर उधर एरिया अर्बन एरियाज़ में बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ फैसिलिटीज़ भी नहीं है तो उसके लिए सेल फोन तो देखें हर औरत मेरा ख़्याल में काफ़ी हद तक हर के पास है इस दफ़ा हमने टीवी में रेडियो में भी कोशिश करी कि रेडियो में भी ऐसे मैसेज़ेस दिए जाएं और लास्ट ईयर कोविड की वजह से हमें थोड़ा सा रोकना पड़ा मगर इस तो पूरे महीने वो चल रहा है और इससे बहुत फ़र्क़ पड़ रहा है कि हर छोटा छोटा हर कहीं गांव का आदमी ये कहता है कि ये है और जैसे मैं अभी एक आ, बार आ, सेशन से आई तो वो यही कह रही थी कि हमने इतना सुन सुन के हमें जैसे खौफ आने लगा तो ये खौफ दिला नहीं रहे ये सिर्फ अवेयरनेस दे रहे हैं कि देखो अपनी सेहत का ख़्याल रखो आप अगर हम हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है इससे आप नहीं वो कर सकते हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि हम हर औरत को मेमोग्राम के पास भेज दें क्योंकि वेस्ट में जहाँ उनके पास फैसिलिटीज़ हैं वो आफ्टर आई थिंक 40 या उसमें 35-40 एज पे वो एक मस्ट उनके पास होता है मेडिकल कि अल्ट्रासाउंड कराना या मेमोग्राम कराना हम लोग के पास नहीं है फैसल तो हम यही मैसेज देते हैं कि अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करो और वो बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी अच्छा आपने आ, अपनी शमूलियत के बाद लोगों में एक और सीरियसनेस देखी होगी मैं इतने अरसे से प्रोग्राम्स कर रही हूँ सालों हो गए लेकिन आपके इस चीज़ को इंडोर्स करने के बाद मैंने ये देखा कि मल्टा ने भी इसका रुख किया कंपनीज़ ने भी इसका रुख किया तो इससे बात ये वाजे होती है कि जब कोई पोजीशन ख़ुद इन्वॉल्व होती है तो उससे एक बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है मेरा ख्याल बात शायद आपकी सही हो और मैं तो शुरू पहले से भी छोटे मोटे जो भी चैरिटी का काम थे वो कर रही थी मगर मुझे ये ख्याल हुआ कि देखिए जब अल्लाह ताला ने हम इसकाबिल नहीं थे अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी पोजीशन दी हाँ अल्लाह का करम है जितना शुक्र अदा करें कम है तो कोई ना कोई काम करना चाहिए हाँ और अपने मुल्क के लिए हमारी बहनें जो क्योंकि अर्ली डायग्नोज नहीं कर रही थी और नहीं वो शर्म और टैबू और स्टिग्मा की वजह से नहीं बता पा रही थी तो फोर्टी एट फोर्टी फाइव परसेंट डेथ रेट अगर फिफ्टी परसेंट आबादी औरतों की है अगर हम उनका ख्याल नहीं करेंगे तो फिर कैसे मुश्किल किस तरह और बेखो। औरतें बीमार होंगी घर खत्म हो जाते हैं समझे एक औरत बीमार हो आप तो होने की फीमेल की वजह से अंदाजा हम सबको है कि घर

या मर्द भी कभी कभी कहते हैं कि चलो कल जाएंगे आज नहीं जाएंगे और वो बढ़ जाता है ये बहुत तेज़ी में स्प्रेड होता है तो इसके लिए मैं अपने भाइयों से भी कहूँगी और मैंने तो ये भी सुना था पहले किया और अभी भी है कि इसको पता चल जाए तो डिवोर्सेस हो जाती है घर में अपने घर की औरतें जुमले इस्तेमाल करती हैं और तरह तरह की बातें बनती तो ये सब वो बच्ची का तो कसूर नहीं है ये तो बीमारी है आप नहीं कुछ कह सकते किस वजह से हो रही है ये भी हमें नहीं मालूम ना कि सारी दुनिया में इस पर रिसर्च हो के ये भी नहीं पता बस सिर्फ बचाओ यही है कि आप फ़ॉर अगर कोई चेंजेस आपको नज़र आए सेल्फ एग्जामेशन हाँ हर महीने अपना पाँच मिनट अपनी से, हमारा जो है कि पाँच मिनट अपने लिए दें और हर महीने इसका आप ख़ुद सेल्फ एग्जामिनेशन करें अगर चेंजेस हो तो मैं अपने भाइयों से भी कहूँगी और बहनों से भी कि फ़ौर से फ़ौर आप जाएँ अल्ट्रासाउंड कराएं मेमोग्राम और इस महीने तो मेमोग्राम आप फ़ायदा उठाएँ कि फ्री में हो रहा है बहुत सारे हॉस्पिटल मैं इस महीने की बात नहीं करूँ मैं आपको कहूँ बहुत सारे कराची में इस्लामाबाद लाहौर में फ्री जो है जो सारा साल करते हैं बहुत कम है मगर बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल तो अगर पता चल जाए आपको नहीं अगर इन्फॉमेसन हो तो हमसे लें हम देंगे हमने फ़ोटो कापी करा रहे हैं और करा के वो देंगे हर को बताएं कि और डिस्काउंटेड रोट रेट्स पे भी हैं तो फ़ायदा उठाएं क्यों फायदा इस चीज़ को आप कर रहे हैं इग्नोर बिल्कुल अच्छा आपने ख़ुद ही मर्दों की इन्वालमेंट की जाहिर है जो इम्पोर्टेंस हमारे यहाँ है वो बता दी है और जिस तरह मोबाइल फ़ोन पे मैसेजेस चल गए हैं हम प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं बड़े शहरों में तो फिर भी अडेप्टलिटी थोड़ी आसान है लेकिन दूर दराज इलाक़ों में गांव देहातों में जहाँ और बेसिक फैसिलिटीज़ का फ़ुकदान है वहाँ फिर औरत की सेहत बहुत बैक सीट ले लेती है उनको परसुएड करने के लिए कोई लाया अमल कुछ लोगों को मैंने involved... अभी आ, मुझे पता चला न्यूज़पेपर से कि साउथ साउथ वाना एक जगह है वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सेशन हुआ अच्छा लेकिन तो एक अच्छा बहुत खुशी की बात है कि ऐसी जगहों में भी अब उनको ख्याल हो रहा है अगर वहाँ हुआ है तो मेरा ख्याल हर शहर में हो रहा है और इसमें मैं कहूँगी हमारी आ, ये जो आ, वहाँ काउंसिल होती हैं लेडी हेल्थ वर्कर ये सब वहाँ जाके बहुत हेल्प कर सकती है और मैं तो अपनी पॉलिटिकल हर हर पार्टी से कहती हूँ मैं कोई एक पार्टी से नहीं हूँ हम तो हर पार्टी से एम एन एज एम पी एस को बुला के कहते हैं अपने एरियाज़ में जाओ ये आपके लिए एक चीज़ भी होगी बताने के लिए बहनों की और आप फ़ायदा भी उठाओ ये तो ऐसी चीज़ है कि आप भी खुश होंगी और दूसरे लोग भी आपको दुआएं देंगे और खैर इसको मैंने विटनेस भी किया आपके साथ पहले भी एक वेबिनार हुआ था जिसमें एम एन एज मौजूद थी और उन्होंने एम पी एज़ मौजूद थी और उन्होंने बताया कि किस तरह से अपने इलाक़े में जाके उन्होंने काम किया है इट वॉज़ अ प्लेजेंट सरप्राइज़ फॉर मी एज वेल क्योंकि हम तो क्योंकि सियासत को इस तरह से देखते रहे हैं कि बस ये सियासत ही है इसका ताल्लुक ज़िंदगी में सेहत से या आपकी नशो नुमा से नहीं, नहीं है इसीलिए मैंने लास्ट वीक एक टी वी में करा तो मैंने कहा वाह वा, क्यों आप लोग सुबह करते हो शाम को हम छः सात बजे से सिवाय लड़ाई झगड़े के करें टॉक शो ज़रूर करें मैं जो सुनती हूँ वो सारे टॉक शो सुनती हूँ अफसोस की बात है मगर इसमें ये सेहत है आ, मैं जैसे डिफरेंटली एबल पे काम कर रही हूँ मेंटल हेल्थ पे काम करना है स्ट्रेस पे उस पर प्रेसिडेंट ने तो ब, जब से वहाँ हैं जब से इस बात पर बोल रहे है कि मेंटल मेंटल हैं कि मैंटल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो इन चीज़ों इन टॉपिक्स पे कोई छोटा सा डिस्कशन रख लें और अभी मैंने कोई एक चैनल लास्ट मंथ देखा था उन्होंने हो सकता है सुबह भी आया मगर पूरा पैनल बैठा लगा था जैसे हम करते हैं सेशंस कि डॉक्टर भी हो ताकि बताए और सर्वाइवर बहुत ज़रूरी कि वो जैसे एक अभी आ खान की डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि मैं आवस, मैं प्रेग्नेंट थी अपनी बच्ची और उसकी मेरे ख़्याल उनको पता चला कि वो ब्रेस्ट कैंसर है उन्होंने कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता कीमो भी करवाई और प्रेक्णसी कहते प्रेगनेंसी में।, में जी कह रही अप्रैल में डायग्नोज हुआ जून में उनकी डिलीवरी थी उन्होंने उनके सारे बाल गिर गए और कहती मैंने डॉक्टर ने कहा बच्ची पे कोई असर नहीं होगा कहती माशाल्लाह बिल्कुल वो बच्ची मेरी ठीक है बड़ी हो गई है पाँच छः साल आठ साल हो गए तो समझिए कहती बच्ची जब पैदा हुई तो उसके माशाल्लाह से बाल भी थे मेरे वो कह रही थी मेरे गिर गए थे क्योंकि मैं क्यों वो कराए तो बहुत अच्छी ने, है बात है बहुत सरवाइल होना बहुत ज़रूरी है कि उससे लोगों की हिम्मत बनती है कि अगर जल्दी डायग्नोज हुआ वो उनका फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में उसने डायग्नोज कर लिया था अगर जल्दी होगा तो हर चीज़ से आप बच जाएंगे और जिस तरह आपकी बात से मैं इसको दोबारा लोगों के लिए दोहराना चाहूँगी कि अगर आप उम्मीद से हैं या आगे फर्टिलिटी के आप समझती हैं कि इश्यूज हो जाएंगे तो वो नहीं है नहीं है। अगर ख़ुदा न खास्तः ये बीमारी हो गई है तो इसे फ़ेस करें और इससे पीछा छुड़ाएं एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। ब्रेक के बाद जो बात बाकी आपने सेहत के मामला की बात की उस पर भी डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक और हजरात फ़र्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान बेगम समीना आर अलवी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और मैं जबकि बीमारी खुश आइंद नहीं है बीमारी की जब बात करते हैं तो अफसोस होता है लेकिन जिस तरह बात की जा रही है जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी पर तो दी जा रही है तो मेरे लिए बहुत खुश आइंद है बींग एन एंकर बींग अ वमन एंड बींग द नेशनल ऑफ दिस कंट्री और बेगम समीना मुख्तलिफ बातें अभी हम ब्रेक पर भी बात करें थे और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बताई जो सर्वाइवर ने कही विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और आपको तो मुझे लगता है कि इतना सारा काम कर करके आपने हर तरह की इन्फॉर्मेशन गैदर हाँ। की है सो तो प्लीज़ हमारे आ, के लिए मैं आपको बता रही थी कि ये सरीना इस्लामाबाद आबाद में यही सेशन था और उन्होंने एक जो सर्वाइवर थी वो कहने लगी कि मैंने जैसे ही मुझे डायग्नोज हुआ तो मैं हॉस्पिटल से सीधी साइकोलॉजिस्ट के पास गई क्यों क्योंकि उनको ये ख्याल था कि मैं फैमिली को कैसे हैंडल करूँ अपने को कैसे हैंडल करूँ तो साइकोलॉजिस्ट, सइकैट्रिस्ट इसीलिए हम ब्रेस्ट कैंसर है डिफरेंटली एबल है उनके घरों के मेंटल स्ट्रेस इतने होते हैं कि वो बिल्कुल माँ बाप फैमिली परेशान हो जाती है मतलब डिलीवरी के वक्त से परेशान हो जाती है अगर उसी वक्त कोई बच्चा या बच्ची डिफरेंटली एबल और अगर ये किसी को पता चलता है कि मेरे कैंसर है जिस तरह का भी है तो वो भी उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि मेंटल स्ट्रेस पे भी काम होना बहुत ज़रूरी हमारे पास हमारे पाकिस्तान में साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट नहीं हैं बहुत ज़्यादा कम है इतने कम हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन के हिसाब से एक या दो फ़ीसद भी नहीं है तो इस पे अब इन बहुत काम हो रहा है हमारी हमने दो तीन प्रेजेंट के साथ मिलके वहाँ हमने सेशंस करे और सारे जो इसके मेंटल स्ट्रेस के एन हैं उनको बुलाया गवर्नमेंट को ही बुलाया कि इस पर काम करना चाहिए और, तो तो और डॉक्टर ही रेफर करते हैं फैमिली ने भी और पेशेंट ने भी गो थ्रू किया होता है तो यू नीड से अच्छा हमारे यहाँ हम चले मैं समझती हूँ की पहले हम कहते थे की जी साइकेट्रिस्ट के पास जाना है तो हाँ, पागल है बिल्कुल अब शायद हम उसे एक सीढ़ी ऊपर चढ़ वहीं से निकालना पड़ेगा हाँ। कि देखो ये कोई आ, पागल की हद तक नहीं है hmm. अगर आपको छोड़, थोड़ा सा भी नज़र आ रहा है कि आप स्ट्रेस में हो नींद नहीं आ रही ये सब इसको पहले ही हैंडल करने की कोशिश करें ना कि वो बिल्कुल एक एक्सट्रीम पर चला जाए आप देख रही हैं न ड्रग्स में जो जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस नहीं है वे आउट नहीं है हाँ तो और हमारे यहाँ जो फैमिली सिस्टम था उससे भी मेरा ख़्याल बहुत फ़र्क़ पड़ता था कि आप घर के जॉइंट फैमिली सिस्टम हाँ उससे यूँ फ़र्क पड़ता था कि आप किसी ना किसी से तो क्लोज़ होते थे ना अपना डिस्कस कर लेते थे तो वो देखिए साइकाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट वही बात करते हैं ना कि आप बात करो अपने दिल से निकालो क्या प्रॉब्लम है तो इसीलिए फैमिली अब वो जॉइंट फैमिली थोड़ा ख़त्म हो रहा है तो मेरा ख्याल यहाँ पाकिस्तान में भी वो प्रॉब्लम्स बाहर मुल्कों में तो आपको मालूम है हर जगह साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट mm -hmm. हर हेल्प है मौजूद मगर हमारे यहाँ अंडर डेवलप कंट्री नहीं है फैसिलिटीज़ तो इस पर बहुत हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसी कोई हेल्पलाइन hmm. क्रिएट करें।, करें जो आपको जाने के बजाय आपको कंप्यूटर पे या इस तरह जो बच्चियाँ पे कर सकती हैं हेल्प ले सकती किसी को बताना नहीं चाह रही तो इस तरह कोशिश कर रहे हैं कि ये करें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, है क्योंकि शादीशुदा खवतीन भी अनमैरिड भी हा, हा। और वैसे भी जनरली आज आजकल स्कूलों में स्ट्रेस है बच्चों की स्ट्रेस और है लड़की को या खातून को साइकोलॉजिस्ट के पास जाना हमारी सोसाइटल बैरियर्स की वजह से ज्यादा मुश्किल, मुश्किल है, है. Uh, ऐसे कई लोग हैं जो बड़े अफ्लुएंट बैकग्राउंड से हैं और वो लेकिन उनकी कोई जाहिर है कोई है कोई इशू है अक्सर वो कहती हैं कि जी हमें किसी का नंबर बता दो किसी का कुछ बता दो हाँ। लेकिन ना मैं उसके पास जाऊंगी ना, ना किसी को पता हाँ। चले आइडेंटिटी ना पता चले बिल्कुल बिल्कुल तो ये तो आप लोगों ने बिल्कुल वो नहीं ये तो हम अभी नहीं आ, मेरे मियाँ प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ जब क्लिनिक पे प्रैक्टिस करते थे तो वहाँ पेशेंट्स आते ही यही थे कि हमें यहाँ दांत में दर्द है यहाँ दर्द है और वो सारे स्ट्रेसेस थे मगर अच्छे अच्छे लोग मतलब पढ़े लिखे बहुत उस वेल टू डू फैमिलीज ये मत कहो कि हमें सकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हैं ये तो एक स्टिगमा क्या पागल हो जैसे आपने कहा ना क्या पागल हम हैं क्या आप समझ रहे हैं क्या ये ऐसा नहीं है मतलब आपकी छोटी छोटी ज़िंदगी में बाज लोग जैसे मैं कहीं जाने लगूँ और मुझे देर हो रही है तो मुझे बहुत स्ट्रेस होता है देखें ना ये छोटी सी चीज़ है और वही बढ़ता चला जाता है डिलीवरी के बाद बहनों को बहुत स्ट्रेसेस होते हैं हम लोग रियलाइज़ नहीं करते कल ही दो चार दिन पहले ही मैं कहीं सुन रही थी या क्या था कि उसको एक ड्रामा था उसको मैं सुन रही थी उसमें ये कहते थे कि डिलीवरी हुई तो क्या हुआ नॉर्मल थिंग है ये बच्चे क्यों ऐसी बातें मगर वो रियलाइज़ नहीं करते उसमें आ, आफ्टर डिलीवरी बच्चों और लड़कियों को बहुत स्ट्रेस होता है एक बॉडी है जिसकी वजह से चेंज आता है ना वो होता है केमिकल चेंजेस हैं या क्या कहें तो और ये नॉर्मल है मगर हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग भी उसको नहीं समझ पाते ना तो इसको बहुत हमारे यहाँ ख्याल में इतनी है कि हम समझते हैं कि ये होता रहा है और इट इज़ अ इजीन ये, कोई ये रुटीन बड़ी रुटीन बात नहीं है, है इसको हैंडल किया जा सकता है और ये है कि जाहिर है एक औरत जब इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है बिल्कुल क्योंकि आप यू आर लूजिंग योर बॉडी इन सो मैनी तो आप बड़ा कुछ बहुत कुछ है हम बहनों को मालूम है हाँ, कि ये एक बहुत बड़ा चेंज आता है बिल्कुल, बिल्कुल तो वो उस पे उसके लिए भी मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेशन जो है उस पे होता काम हो रहा है सही तो ये मेंटल डिप्रेशन वगैरह ये हेल्पलाइन और नंबर ऑफ साइकिएट्रिस्ट बढ़ाना इस सबसे रिलेटेड एक दिन में तो बढ़ेंगे नहीं हां इसके लिए तो बहुत टाइम चाहिए आप पूरा कॉलेजेस में बने या बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए वो भी करना चाहिए मगर ऑनलाइन आजकल तो हर बच्चा बच्चा बच्ची हर ऑनलाइन फ़ॉरन जाती है तो दुनिया में तो बहुत हैं उनसे मेरे ख़्याल कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे अब पूरा प्लान कर रहे हैं और इन आप लोगों से शेयर करेंगे किस तरह उनको हेल्प किया जाए ना अच्छा नेक्स्ट आप जिस तरह बता रही थी डिफरेंटली एबल तो डिफरेंटली एबल में वी हैव डिफरेंट आप लोग सबको करना चाह रहे हैं किस तरह देखो ना हम फंड रेजिंग करते हैं ना हम कुछ खोलने की कोशिश कर रहे हैं हम उनको इंक्लूसिव करने की कोशिश उनको हमने क्यों घरों में बंद किया हुआ है उनका यहाँ पे इसलिए कि हमारे पास रैम्प नहीं है वो बच्चे बच्चियाँ कहाँ जाएँ कैसे exactly. जाएँ ना शॉपिंग के लिए जा सकते ना कोई काम के लिए जा सकते मैंने अभी अपनी नी सर्जरी कराई अच्छा hmm. उसमें चलने में प्रॉब्लम आप, आप कैसे चलें hmm. हर जगह तो स्टेप्स होते अभी दो दिन पहले तीन दिन पहले मैं इस्लामाबाद में वो एक सीरत कॉन्फ्रेंस में गई थी आपको यकीन है चारों तरफ स्टेप्स थे अगर कोई बच्चा या बच्ची डिफरेंटली एबल क्यों नहीं हम लोग रैम्प्स बनाते हाँ बनाए रेलिंग हो कि कुछ कोश तो मदद हो जाए उनके लिए मैं पहले मुझे ये ख़्याल होता था मैं बाहर मुल्कों में देखती थी कि इतनी फैसिलिटीज़ हर जगह गाड़ियों की है हर रैम्स है रेलिंग है तो मैं समझती थी शायद पाकिस्तान में हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है मगर अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ ट्वेल्व से फोटीन परसेंट डिफरेंट है कि डिफरेंटली एबलें मतलब एज वाइज भी हैं एज वाइज भी तो हम बाहर निकालना है ना तो क्या हमने अपनी हमारी पॉपुलेशन कितनी है आप सोचिए अगर दस भी हो तो कितनी बड़ी है और आपको नजर नहीं आती है नजर क्यों नहीं आती क्योंकि, क्योंकि वो, क्योंकि वो नहीं है हाँ वो कैसे करें और ये कहें कि वो उनके लिए जरूरत नहीं है अब खातून जो यूएन में मौजूद है तो हम क्या

Hmm. हमारी यहाँ ये की है कि वो पता नहीं बच्ची क्या था hmm. कि उसके साथ ये हुआ कि वो पैदाइशी अगर बच्चा कुछ प्रॉब्लम था hmm. ये तो देखिए ना बच्ची पे कसूर है ना मर्द पे कसूर है ये तो अल्लाह ताला hmm. का है और इस पे क्या आप इससे hmm. क्यों लड़ सकते hmm. हैं अच्छा तो इस तरह से उनको केटर करने ताकि घरों hmm. से भी बाहर से निकले स्कूलों में इंक्लूसिव करें बने। हाँ प्रोडक्टिव बिल्कुल आप दस परसेंट भी है तो मुल्क के दस परसेंट आप लोगों को घर में बंद किया हुआ है और वो बहुत पढ़े लिखे हैं मैं तो अभी थोड़े दिन हो रहा था कि एक बच्चा कंप्यूटर्स के जॉब के लिए गया उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे जब वो बच्चा सारी अप्लाई किया तो वो जानता है करता है मगर तुम्हारी विजुअली तुम नहीं कर सकते तो हम आजकल तो कंप्यूटर्स भी ऐसे आ रहे हैं कि वो सब कर रहे हैं बॉस्टन में एक बच्चा था जो अब तो शादी भी उसकी हो गई Visually impaired, वो सारा काम करता था मतलब दुनिया में है ही ऐसे बहुत सारे लेकिन इसमें मैम आपको ये लगता है कि जिस तरफ आप लोगों को जो डिफरेंटली एबल हैं उनके लिए तो काम कर रहे हैं But at हाँ। the same time, हमारी सोसाइटी को समझाने की भी जरूरत है जो दूसरे लोग हाँ। उनके ऊपर हैं या इर्द गिर्द है हाँ। आपने इतनी अच्छी बात अभी ये की विजुअली इम्पेयर्ड अगर है हाँ। हमारे शो में भी हमने पिछले दिनों एक बहन भाई को बुलाया वो दोनों विजुअली इम्पेयर और भाई की तो जॉब एक एनजीओ में थी बट दैट वाज एन इंटरनेशनल एनजीओ तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं हाँ हम लोग हम नहीं, करते, नहीं हैं। करते हैं तो हमें लोगों को भी तो समझाने की ज़रूरत नहीं उसी तरह देखिए ना वही हम जो एक चीज़ को तोड़ेंगे हाँ कि देखो ये भी इंसान है ये भी पढ़े लिखे हैं आप करवा के देखो तो उनसे काम कि अगर नहीं करें मगर हमें इसके लिए बहुत सारी इसमें मैं काफ़ी दिनों से काम कर रही हूँ और तो इसके बड़े एन हैं जो हमें अब आया कि हमें जॉब्स के लिए दो हमारे पास अब जॉब्स के लिए लोग मांग रहे हैं हमारे पास वो ट्रेंड लोग नहीं हैं हमें वेकेशन सेंटर्स भी खोलने की ज़रूरत है कि आप बैंक्स में लोग कह रहे हैं और देखिए ना पहले जो रजा बाब थे स्टेट बैंक गवर्नर अभी भी कर रहे हैं और उन्होंने तो कहा कि हमारे पास इनके लिए लोन्स हैं मगर उनको पता ही नहीं बच्चों पता है अवेयरनेस नहीं हमारे यहाँ चीजें बहुत हैं मगर लोगों को अवेयरनेस नहीं तो इसीलिए ये ये टीवी रेडियो मीडिया व्हाट्सएप जो ग्रुप्स हैं इसमें बहुत हेल्प करेंगे उनको पता चलेगा एक और मैं जिसपे बहुत काम करने की कोशिश इसके कर रही हूँ एक ब्रेक आ गया एक और जो अहम काम होने जा रहा है डिफरेंटली एबल के हवाले से वो हम जानेंगे बेगम समीना से इस ब्रेक के बाद बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं बेगम समीना आर अलवी हमारे साथ मौजूद हैं और डिफरेंटली एबल लोगों के लिए एक अहम काम क्या होने जा रहा है होने की कोशिश हो रही है जो मैं दो तीन साल से कर रही हूँ कुछ कहीं कहीं हो भी गया है कि इनका आई कार्ड बनना बहुत ज़रूरी है इनका आई आ, कार्ड होता है जिसको वो एक शहरी होंगे उनको फैसिलिटीज़ मिलेंगी जैसे सेहत सहूलत कार्ड में हुआ था एहसास प्रोग्राम में कि उनको जो उस लेवल पर हों उनको हर महीने टू थाउजेंड रुपीज़ मिलेंगे मगर उनका आई डी कार्ड होना उसमें क्या है हमने उसको इतनी रुकावटें बनाई हुई हैं कि समझिए उनको पहले फॉर्म मिलता है मैं तो ख़ुद देख कर आई अपनी आँखों से उनको पहले फॉर्म मिलता है फॉर्म आप जाएँ फिल करवाएँ फिल करवा के आप वापस आएँ एक डॉक्टर पूरा ग्रुप बैठता है जो उनको देखता है कि ये किस तरह के हैं अच्छा देखिए ना ठीक है अगर आइज़ का है या हियरिंग इम्पेय हैं, तो उनको तो ठीक है बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत होगी टेस्टिंग वगैरह की मगर जो आपको नज़र आ रहे हैं इतना लंबा उनका आना जाना मसला है उनको मेहरबानी करके इस प्रोसीजर को बेहतर करना चाहिए हाँ वन विंडो हो जिसमें वो आए जो नज़र आ रहा है आपको कि नहीं वो है, कर सकता है, उनको फ़ौरन आईडी कार्ड दें उनको हम तकलीफ़ ना गुजारें उनको बार बार कहते हैं, हमें इतनी मुश्किल होती है अगर बेचारे जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो कहते हैं दस बारह चक्कर लगवाते हैं ये फॉर्म लाओ ये करो फिर वो छोड़ देते हैं नहीं बनवाते हैं फॉलो अप नहीं करते तो इसको भी हमें बहुत जरूरी है वन विंडो बनाने की कि वो आए उनका फ़ौर आई डी कार्ड बने नादरा में या जो भी जहाँ उनका निरम या कोई ऐसी जगह है जहाँ सारा कुछ बैठता है गवर्नमेंट का बने और फ़ॉर बन के उनको दे दिया जाए ताकि वो एक हो जाए हर चीज़ की उनको सहूलत अच्छा इस वक्त बहुत सारे सवाल जहन में आ रहे हैं और ऑब्वियसली जब आप डिफरेंटली एबल लोगों की बात करते हैं और उनकी उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की बात करते हैं तो जहां आपके पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि हमें लोग चाहिए वहां लोगों को शौक़ है कि जी गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ जॉब्स निकाले या हमारा कोटा रखे ये कोटा सिस्टम पे आपको पता है बड़े अरसे से है कोटा हाँ। है हर जगह कहीं टू परसेंट है कहीं बलूचिस्तान में मेरे ख्याल फाइव परसेंट है हर जगह है मगर कोटे में ये है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ इसकी क्राइटेरिया होता है okay. कि अगर जैसे किसी की उंगली नहीं है तो उसका वन रखेंगे कि ये ये काम कर सकता है वन टू फोर इस तरह क्राइटेरिया हमारे यहाँ जो सर्टिफिकेट है ना उसमें है या तो आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते अब अगर उंगली भी उसकी नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता नहीं। तो ये तो गलत है ना आपको उसको करना पड़ेगा हमने बड़ी कोशिश करी भी है और कर भी रहे हैं कि सर्टिफिकेट में कोई चीज़ मेंशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डब डब्ल्यू एच ओ ने तो उसको किया हुआ है कि कैसे आप करो ग्रेडिंग करी हुई है तो उस तरह करके आप और जो कोटा में होता है ना वो ये अफ़सोस की बात है कि हमारे यहाँ कोटा में जिसकी अगर एक उंगली या कोई छोटी सी डिसेबिलिटी उसको वो हायर कर लेते और पढ़े लिखे जो ज्यादा उनको डिसेबिलिटी उस कोटे में गलत फैसला करते हैं तो इसको भी ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये भी है कि अगर आप हायर नहीं करें तो वो सैलरी एक जगह जमा होती है अच्छा जी ये मुझे भी नहीं मालूम था बाद जब मैंने इस पर काम किया तो पता चला तो मुझसे लोगों ने कहा जो इस पर काम कर रहे हैं एन कि ये भी आप पता करें ये जाति कहाँ है <laughs> अफसोस की बात है ना कि वो है और नहीं तो लोग थोड़े से पैसे दे के निकल जाते हैं नहीं भी देते मेजॉरिटी तो मेरा ख्याल में शायद नहीं देती मगर अगर देती भी थोड़े से पैसे दे के कसा ख़त्म हो जाता है और वो कहाँ यूज़ हो रही है मुझे रही नहीं बिल्कुल हाँ बिल्कुल तो वो आपसे क्योंकि गुजारिश की गई तो आप ज्यादा दे <laughs> देख रही हूँ तो कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है और स्कूल्स में करें मैं कोविड से पहले स्कूल्स भी देख रही थी बहुत ज़्यादा एजुकेशन के लिए क्योंकि मुझे ख्याल होता है कि मुल्क में एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है उसी से शायद तब्दीली लाएंगे hmm. मेरे मियाँ मुझसे कहते थे कि नहीं मैं पोलिटिकली चेंज लाऊंगा मैं कहती थी मैं एजुकेशन से मुझे होता education है बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है मगर अफसोस है कि पढ़े लिखे भी हमारे यहाँ hmm. कुछ कम नहीं सोच की आ, मतलब एजुकेशन हमारे यहाँ डिग्रीज के तौर तो पर तो शायद हाँ, लोगों के पास है एजुकेशन जिसमें अवेयरनेस हाँ, है awareness हाँ, है या है या हाँ, विजन वो उसका है, लेकिन है। उसका ताल्लुक भी कही न कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम से ओवरऑल मेरा ख्याल में है, ना, है। अब स्कूल्स में कॉम्पिटिशन वहाँ पर बच्चों को स्ट्रेस है ट्यूशन हैं मेरी बच्चे माशाल्लाह हमारे तीन बेटियाँ एक बेटा है मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी ट्यूशन गए क्योंकि स्कूल्स की एजुकेशन बहुत अच्छी होती थी अब तो सुबह छः बजे से बच्चे ट्यूशन जाते और स्कूल से आते फिर ट्यूशन जाते और स्कूल्स भी बहुत अच्छे हैं ये नहीं है कि अच्छे स्कूल्स नहीं हैं वो भी तो बड़ा स्ट्रेस है तो इससे निकलना चाहिए और बच्चे के स्कूलों में एक ऐसी पढ़ाई हो कि वैल्यूज़ बताएं ये चीज़ें सिखाएं पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है बग उसके साथ हम लोग जब पढ़ते थे तो मेरा ख्याल एक सिविक्स होती थी जिसे सिविक्स की चीजें बताई जाती थी कैसे साफ रखो कैसे मुल्क करो मेरा अब नहीं है मुझे उस तो ख्याल होता है कि अब बच्चे चाहते हैं आपने सही कहा जो आप बात हैं तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स भी उन चीज़ों को वैल्यू ज्यादा देते थे पहले हाँ आप पेरेंट्स बच्चे सलाम करें ना करें लेकिन उसके हाँ, मार्क्स हंड्रेड ऑन हंड्रेड हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि वो चाहे किसी को सलाम करें हमारे यहाँ हमेशा ये रहा कि कोई हमारे घर मेहमान आता था तो हम बच्चों से कहते थे अगर आप पढ़ रहे हो फाइन पढ़ो मगर आके सलाम करो फिर आप चले जाओ तो यही चीज़ें बच्चे सीखते हैं और घरों में सिखाया जाता था कि ड्राइवर है या कोई है खान सामा है तो आप उसको नाम से नहीं बुलाओ

इतनी मेहनत भी मेंनत करते हैं खिदत करते, करते हाँ, हैं हाँ, पूरी हाँ, पूरी ख्याल फैमिली रहे हैं जी और आप उनको बिल्कुल ऐसे रूटली जवाब दे रहे हो ये नहीं हो चाहिए अच्छा क्योंकि आप ज़ाहिर है फैमिली सिस्टम और इन सब हाँ। चीज़ों पे अभी हम बात कर रहे हैं और वक्त का प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पर ख़त्म होने जा रहा है क्या चीज़ आपको पाकिस्तान में ओवरऑल एज अ फैमिली सिस्टम आप समझती हैं कि अगर इस चीज़ को फॉलो किया जाए तो तरक्की हो सकती है क्योंकि ज़ाहिर एक खुशहाल घर है और सारे सेहतमंद लोग हैं तो वो खुशहाल सोसाइटी भी होगी खुशहाल पाकिस्तान भी होगा उसमें मैं कहूँगी कि औरतों का पढ़ना बच्चियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है देखो वही तो घर बनाती हैं लड़का होगा या लड़की होगी माँ अगर पढ़ी लिखी या अच्छी अवेयर अच्छी तरबियत होगी लड़कियों की अच्छी तरबियत लड़कों की भी ज़रूरी है मगर लड़कियों की होगी, होगी तो वो बच्चे को वैसे ही तरबियत देगी अगर उसके जहन में ये इंपॉर्टेंस नहीं हो गया क्योंकि मैं तो ये देख रही हूँ कि लड़कियाँ माएँ उसको इम्पोर्टेंस नहीं देती मेरी बेटियाँ डेंटिस्ट हैं मगर मैं हमेशा चारों बच्चे डेंटिस्ट हैं और तीनों बेटियाँ <laughs> भी तो मैंने उनको हमेशा ये कहा कि ठीक है मुझे था कि पढ़ें ज़रूर प्रोफेशन ज़रूर होना चाहिए मगर मैं हमेशा उनसे कहती थी पैसों के पीछे मत भागना फैमिली इज़ योर प्रायरिटी मियाँ बच्चे घर आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए उसको देखना तरबियत करना बहुत ज़रूरी नहीं तो आप कमा रहे हो बाहर दूसरों की तरबियत कर रहे हो अपना घर बर्बाद हो रहा है तो क्या फ़ायदा हो आपको तो जनरेशन अपने घर से बनानी है ना इसके लिए मैंने हमेशा तो मेरा मजाक भी उड़ाती थी माम तो चाहती हैं कि हम जहाँ जॉब करने जा रहे हैं उनसे ये पहले डिमांड करें कि हमारा टाइमिंग्स ऐसी हमारे ये चीज मैंने कहा कमाओ कम कोई पैसे तो जितने भी होंगे कम हैं तो कमाओ कम पैसे कम नियत अपनी रखो और अल्लाह ताला उसी में बरकत देगा मगर फैमिली को निगलैक्ट नहीं करना तो ये मैं बहुत ज़्यादा और यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज है जो आप देना चाहती हैं नौजवानों के लिए बच्चों के लिए बड़ों की इज्जत करें बहुत ज़रूरी है देखो अगर बड़ों की इज्जत घर में करेंगे तो बाहर भी करेंगे और हमारे यहाँ इसका बहुत फौकदान हो गया कि इज़्ज़त वैल्यू सब खत्म हो चुकी है मैं तो अब यही देख रही हूँ या हो सकता है मैं सोचती हूँ क्या एक जनरेशन गैप हो गया है मगर इसके इससे हो भी गया है है डिटोरिएशन हुई बहुत ज़्यादा हुई है कि वो मटीरियलिस्टिक हो गए हैं हम लोग बस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं पैसे की पैसा ज़रूरी है मगर इतना भी नहीं है कि आप इतने हो जाओ कि बड़ों का ख्याल नहीं इज़्ज़त नहीं कुछ नहीं तो बहुत यंग जनरेशन की पढ़ें ज़रूर पढ़ें लड़कियों को बहनों को ज़रूर पढ़ाएँ चाहे आमदनी वाले हों या बड़ी जैसे लड़कियां जरूर पढ़ें क्योंकि वही बनाएंगी जनरेशन को और तो, दिन में भी तालीम के लिए तालीम दोनों को ही कहा गया क्योंकि इम्पोर्टेंस दोनों के लिए ही है वरना तो सिर्फ लड़कों के लिए कह दिया जाता तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और ये तमाम इंफॉर्मेशन का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुई और से सुनी है तो मेरे ख्याल में लोग और नहीं नहीं। में के काम करते रहेंगे अल्लाह जरूर इस मुल्क की मदद करेगा और बेहतरी की तरफ हम लोग जा भी रहे हैं और बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे इनशा थैंक यू सो मच और इस नोट पे हम आपसे विदा लेते हैं लेकिन इस वादे के साथ कि ये मुलाकातें होती रहेंगी हाँ, और हाँ, आपके सामने पेश करते रहेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे हम आपसे मदद मांगते रहेंगे इनशाला इस, इस हाँ, अपना ख्याल रखिए दुआओं में याद रखिए अल्लाह हाँ।